सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मेरा ठेले का काम है, मैं 4-5 घंटे आग पे बैठता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, पूरे रोजे रखे जाते हैं। बिना रोजों के मैं 2 घंटे बिना पानी के नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह ने शहर में इस दुआ में ऐसी बरकत डाली है कि कितना भी आप आग पे बिठा लीजिए पूरे रोजे चलेंगे इंशाल्लाह। इस दुआ में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है, जो अल्लाह के लिए जान देते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये कोई उजर नहीं चलेगा कयामत के दिन आदमी का। इसलिए कोशिश हर मुसलमान ये करेगा, मुझे इस महीने में रोज़ा रखना, अल्लाह उसके लिए आसान कर देंगे। शुक्रिया कि अल्लाह ने हमें ये रमज़ान मुबारक हमें नसीब फरमाया ना, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और गर्मी का मामला है कि भी नियतों के ऊपर है, अल्लाह नियत पे सब अता फरमा देता है रोज़ा रखने वाले, और अल्लाह रोज़े के लिए आसानियाँ फरमा देता है ना। अब देखें आप मौसम देखें माशाल्लाह अल्लाह भी से चेंज कर रहा है ना, तो अल्लाह रोज़ा रखने के वालों के लिए आसानियाँ फरमा देता है। रोज़े वाले को प्यास भूख शिद्दत इन सब चीज़ से अल्लाह दूर फरमा देता है। रोज़े की तभी तक आदमी को शिकायत रहती है भाई जब तक वो रोज़ा नहीं रखता है। आज किसी बगैर रोज़ा रखने वाले से कहोगे भाई ज़रा पानी ना पियो तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह जब रोज़ा रख लेता है तो फिर उसका वो शाम तक आसान हो जाता है। जो रोज़ा नहीं रखते उनके लिए क्या हिदायत? भाई सभी के लिए ये है कि भाई रोज़ा तो फ़र्ज़ है ना, हर बालिग इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, और रोज़ा तो सभी मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है और रखना लाजिम है। सिर्फ उनके लिए जो सफ़र में है या कोई परेशानी है बीमारी है, उनके अलावा सभी लोगों को रोज़ा रखना चाहिए। रोज़े से अल्लाह की रहमतें हासिल करने का बेहतरीन वक्त है इस वक्त, है ना। और ये ऐसा महीना है, ऐसा मुबारक महीना है कि इस मुबारक महीने के अंदर हम इबादत से अगर एक पल भी अपने आप को दूर रखें तो सबसे ज़्यादा बेकार वक्त होगा हमारा। नाम क्या है? उबैस आलम। रमज़ान का महीना ये बड़ा बाबरकत महीना है, और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है इस हदीस के, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में खुतबा दिया था शाबान के महीने, और उसमें ही फरमाया है उस खुतबे के अंदर, खुतबा तवील है, कि जो शख्स रमज़ान में एक फ़र्ज काम करेगा उसको एक फ़र्ज के बराबर 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई नफल काम करता है रमज़ान के अंदर तो उसको एक नफल के बदले में एक फ़र्ज के बराबर सवाब दिया जाता है। अब देखिए रोज़ा जो है, रोज़ा फर्जियात में से है भाई, नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, तो अगर रमज़ान में रोज़ा रखता है तो उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और रमज़ान का रोज़ा रखना हर मुसलमान पर आक़िल बालिग सब के ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर कोई इंसान रमज़ान का रोज़ा तर्क कर देता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया तो इसकी क़ज़ा क्या है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने यही फ़रमाया कि रमज़ान के बदले की क़ज़ा एक रोज़े से क़ज़ा तो हो जाएगी, लेकिन जो रमज़ान में रोज़ा रखने का सवाब है फजीलतें हैं पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, लेकिन उस रोज़े के बदल हासिल नहीं हो सकता, उसका सवाब को नहीं पहुंच सकता जो रमज़ान में। तो लोगों के लिए हिदायत क्या? लोगों के लिए हिदायत ये है कि मैं तो हर मुसलमान से, चाहे बच्चा हो, बच्चा तो खैर इसका मुकल्लफ नहीं है, जो बालिग हो, मर्द हो या औरत हो, सबको रमज़ान का रोज़ा रखना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। अगर इंसान जो है रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बेशुमार अजर अता फरमाएंगे। हदीस के अंदर आता है कि नमाज का सवाब जो है अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए दिलाते हैं और दीगर कामों का, लेकिन फरमाया अस्सौमुली व अनाजी भी, रोज़ा जो है वो मेरे लिए है और मैं उसका बदला खुद हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि इसका बदला मैं खुद हूँ, तो क्या इसका अंदाज़ा है? इसका कोई लिमिट, कोई मियाद नहीं है कि इसका सवाब इतना है, अल्लाह ही बखूबी जानते हैं। तो बहरहाल तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को, ख़ास तौर से जो लोग लेबर क्लास के मज़दूर हैं, सभी को रोज़ा रखना चाहिए। ना मालूम हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान हमें दोबारा नसीब हो या ना हो, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर, मैं मुफ्ती मोहम्मद जाकिर इमाम ख़तीब ईदगाह मस्जिद जमालपुर। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।